हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लेसन फर्स्ट इंटरनेट बेसिक्स और मैं लेसन फर्स्ट के पेज नंबर 16 पे। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। उस क्लास का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेसन फर्स्ट की फर्स्ट क्लास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये हमारी सेकंड क्लास है लेसन फर्स्ट की, तो शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट जो है ये वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है और ये सभी वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इनको हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ICANN। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड डोमेन नेम प्रोवाइड करती है या फिर IP एड्रेस प्रोवाइड करती है। ICANN की फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड द नंबर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे यूनिक नेम प्रोवाइड करती है साइट्स के जो कि एक दूसरे से मैच ना होते हों। इसी तरह से हर एक साइट को एक यूनिक नंबर भी दिया जाता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं। तो ये IP एड्रेस और डोमेन नेम दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं ICANN के द्वारा। उसके बाद आपका है साइट फाइल। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी एलिमेंट दिखाई देते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, टेम्पलेट्स एट्सेट्रा, उन सभी को हम साइट फाइल कहते हैं। और अगला आपका है वेब होस्ट। वेब होस्ट ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट आपका है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपकी मदद करता है ताकि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर सकें। इसके कुछ एग्जांपल हैं वर्डप्रेस, जुमला और डूरपल। इनके द्वारा आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, वेब पोर्टल। वेब पोर्टल एक गेटवे है जो कि इंटरनेट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि ईमेल, सर्च इंजन या ई-कॉमर्स। वेब पोर्टल एक्चुअल में इस खुद के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जबकि ये आपको सजेस्ट करता है कि आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। मींस इट इज़ द गेटवे टू प्रोवाइड द सर्विसेज। डिफरेंसेस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पोर्टल। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं वेबसाइट और वेब पोर्टल के अंदर वो बताए गए हैं, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी आप डिफरेंस के अंदर आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर करें। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो यही है जो आपको ऊपर बताया कि वाइड रेंज ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज का जो गेटवे होता है वो आपका है वेब पोर्टल। इट इज़ द गेटवे ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। और वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करें, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। आपस में वेब पेजेस को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो वो वेबसाइट का रूप देती है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लॉगिन वगैरह की, जैसे कि आपको जीमेल के अंदर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, लेकिन वेबसाइट के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वेब पोर्टल किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करता है, जबकि वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो पूरे का पूरा कंटेंट डिटेल में दिया हुआ होता है। वेब पोर्टल के एग्जांपल जैसे कंपनी की वेबसाइट वगैरह होगी या सर्च इंजन हो गए। ऑन द अदर हैंड वेबसाइट आपकी कोई भी हो सकती है जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी हो, जैसे कि किप्स डॉट इन या आपका UPSSE। अगला आपका टॉपिक है वेब पेज। पहले हमने वेबसाइट किया था, अब आपका है वेब पेज। तो वेब पेज इज़ ए डिजिटली पेज विच मे कंटेन द टेक्स्ट। ऐसा पेज जिसके अंदर आपका टेक्स्ट हो, लिंक हो, वीडियो हो, ऑडियो हो और टेबल वगैरह हो और HTML के अंदर लिखा जाता हो, उसके अंदर हम उसको हम वेब पेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ वेब पेज। एक वेब पेज को जब आप बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले वेब पेज में आप टाइटल देते हैं, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसका वेब पेज का वो है आपका टाइटल बार, और उसके बाद आपका नेविगेशन लिंक जिसके द्वारा आप पर्टिकुलर मेन्यू को सर्च करके किसी एक लिंक के ऊपर जाते हैं, और हेडर एरिया जो कि हेड सेक्शन डिफाइन करता है वेब पेज का, और कंटेंट एरिया जो कि बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है, और लास्ट में आपका फुटर एरिया जो कि वेबसाइट का फुटर एरिया कंटेन करता है। इसमें ज़्यादातर कॉपीराइट वगैरह डिफाइन किया जाता है। कंटेंट एलिमेंट ऑफ वेब पेज। वेब पेज के कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपका टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऐसा डिजिटली टेक्स्ट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जिसके ऊपर आप क्लिक करने पर लिंकिंग करते हैं, उस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। और हाइपर लिंक इलेक्ट्रॉनिकली लिंक है जो कि असेस करता है आपके लिंक को। सोर्स कोड, इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन अबाउट द लेआउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। आप का जो वेब पेज है वो देखने में कैसा बनेगा वो सब आप सोर्स कोड के अंदर डिफाइन करते हैं। व्हाट मेक्स द वेब पेज वर्क। वेब पेज काम कैसे करता है, तो वेब पेज को बनाने के लिए आप सोर्स कोड लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद सोर्स कोड लिखने के बाद ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है आपके वेब पेज के पास, और वेब पेज वापस इन द टर्म बैक सर्वर के पास आता है और वेब ब्राउज़र को सेंड कर देता है, और वेब ब्राउज़र आपको वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है। ये सारा फिगर के द्वारा भी समझाया गया है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और लेसन फर्स्ट की जो फर्स्ट क्लास है उसे देखना ना भूलें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।